डियर स्टूडेंट्स, पांच नए टॉपिक्स आज के आप सबों के बीच आ चुके हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी, चूँकि एग्ज़ाम बड़ा है तो काम भी बड़ा करना होगा। किसी ने सही कहा है कि सोना है तो जाग जाओ, तो आप जाग जाएं, बल्कि जगे रहें, चूँकि बहुत सारा कुछ करना है, टाइम कम है। आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम भी जल्दी ही होंगे, बहुत जल्दी नहीं लेकिन हाँ, होपफुली नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, पांच टॉपिक्स जो 10 तारीख के हैं, 10-8 के, वो आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लें। उसके बाद ये टॉपिक्स हैं, दरअसल हिस्ट्री में गरम दल का जो फेज़ है 1905 से लेकर 1919, ये महात्मा गांधी के आंदोलन से पहले का फेज़, ये हम लोग करेंगे। ज्योग्राफी में करेंगे, हम लोगों ने इससे पहले किया है हिमालय, उसके बाद के टॉपिक्स करके अब ये तीसरा टॉपिक हम लोग जो फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया है वो कर रहे हैं। उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ प्लस आइलैंड ग्रुप्स, जो द्वीप समूह है, ये करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी में करेंगे हम लोग भाग और अनुसूची, ये सेक्शन याद करने वाला है तो आपको इसे मेमोराइज करना होगा मैक्सिमम। काफ़ी लोगों को याद भी होगा, आप याद रखें कि ये पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चूँकि मेंस में जब कई चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो कंटेक्स्ट इनका आता है, और पीटी में तो ये रेगुलर दिखता ही है। तो ये सेक्शन हम लोग करेंगे इको में। नेशनल इनकम करेंगे, राष्ट्रीय आय, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमी का। और बायो में हम लोग करेंगे ब्लड ग्रुप प्लस आरएच फैक्टर। इससे पहले हम लोगों ने ब्लड किया है लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं किया और आरएच फैक्टर नहीं किया। साथ में यह ध्यान रखें कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चों पर किस तरह का ब्लड ग्रुप आएगा, ये भी आप कर लेंगे इसके साथ। तो बड़ा अच्छा ये सेक्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप ध्यान में रखें। और आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि पांच क्वेश्चंस लास्ट में दिए जा रहे हैं जो पिछले टॉपिक्स पर बेस्ड हैं, आपने पढ़ा या नहीं और कितने अच्छे से पढ़ा, इसके जो इसे चेक करने के लिए ये पांच निचोड़ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जाएंगे लास्ट में। तो ये आप लास्ट में पांच क्वेश्चंस को ज़रूर बनाएं। चलिए अब आज के वो टॉपिक्स पे आते हैं जो दिए गए थे आपको दो दिन पहले, आपने किया या नहीं, आपको करना चाहिए। जिन लोगों ने भी इसमें कोताही बरती है उनके लिए घातक हो सकता है, उम्मीद है अधिकतर लोगों ने किया होगा। तो फिर मेरा प्रश्न, आपने इसे कैसे पढ़ा? क्राउन में ये फेज़ जो है, नरम दल का फेज़, ये बहुत बड़ा फेज़ नहीं है, बहुत छोटा है, इसमें बहुत कम दिया हुआ है। तो आपने जितना भी दिया हुआ है उतना उम्मीद है पढ़ा होगा। मेरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के शुरुआती दिनों के चार अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपने पढ़ा? दूसरी बात, कांग्रेस के इस समय के डिमांड क्या थे और किस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रगीत गाया गया? इस वक्त एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, क्या आपने वो पढ़ा? हालांकि ये क्राउन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर इतना भी आपने किया जो भी दिया हुआ है तो भी बहुत है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दूसरा टॉपिक जो हम लोगों का था ज्योग्राफी का, वो था भारत के पठारी प्रदेश, यानी प्लेटो ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो। इसमें आपने क्या पढ़ा? पेनिनसुलर प्लेटो एक टफ टॉपिक था ज्योग्राफी में, ये एक बड़ा भी और टफ भी टॉपिक है। क्राउन में अच्छा दिया हुआ है, शॉर्ट में ये टॉपिक ही बड़ा विस्तारित है, बड़े प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में इससे। ये टॉपिक क्राउन में भी बहुत कॉन्साइज वे में दिया हुआ है, ठीक ठाक दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव इसके बन जाएंगे। आपने इसमें जो कुछ भी दिया हुआ वो पढ़ा के नहीं, तो मेरा क्वेश्चन है, बताइए कि डोडा बेटा किस पहाड़ी का शिखर है, हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा? धूपगढ़ किसका हाईएस्ट पीक है? गुरु शिखर किसका हाईएस्ट पीक है? बस तीन क्वेश्चन, अगर इसका एक भी आप जान रहे हैं तो हम कहेंगे चलिए काम चलेगा। गुरु शिखर, डोडा बेटा, धूपगढ़, ये तीनों हाईएस्ट पीक हैं इस प्रायद्वीपीय पठार में आने वाले हाईलैंड्स के, तो ये आपको जानना चाहिए। और दूसरा बात, प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, किसका पार्ट है, ये आपने पढ़ा? चूंकि क्राउन का ये पहला लाइन है, बहुत ज़्यादा क्राउन हमारे मुंह से निकलता है तो ये आप इसे प्रचार ना समझें, ये छोटा सा गाइड है, मैंने उन लोगों के लिए बताया जो नए हैं।
जो बहुत अभी मोटा गाइड या मोटा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने ये छोटा सा एक अभी बताया है। धीरे धीरे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कुछ अच्छे बुक्स और भी आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। अभी आप इससे पढ़ रहे हैं, काम चलेगा। तो आप बताएं कि आपने प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, पाठ है, ये पढ़ा कि नहीं? पहला लाइन है इस बुक का, उम्मीद है आपने किया होगा। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार एक टफ टॉपिक था, हम जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा, तो कहीं कहीं पर कन्फ्यूज़न हुआ होगा। जो पेनिनसुलर प्लेटो है, यानी पूरा भारत का दक्षिण भारत जो है वो एक प्लेटो है, प्रायद्वीप है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। और ये प्रायद्वीप दरअसल जो पठारी भाग है ये दो भाग में बटा हुआ है, एक मध्य उच्च भूमि यानी हाईलैंड्स इन द मिडल ऑफ इंडिया, और दूसरा दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार दो भाग में बटा हुआ है, हाईलैंड्स इन द मिडल मध्य भारत की उच्च भूमि प्लस दक्कन का पठार। एक तरफ मालवा का पठार है, अरावली है, विंध्याचल है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर का पठार है विस्तार में। दूसरी तरफ दक्कन का पठार जिसमें सतपुड़ा है, ओडिशा के पठारी क्षेत्र हैं, थोड़ा सा हाईलैंड्स हैं, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, घाट कहते हैं जो दक्षिणी भारत है उसके तटीय क्षेत्र से समानांतर खड़े हुए हाईलैंड्स को घाट कहते हैं पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री का मतलब है स्थानीय, इसका मीनिंग है परोपकार करने वाली। ये जो माउंटेन्स हैं बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं हैं, लो लैंड्स हैं, कम ऊंचे हैं, इस पे हिल स्टेशंस हैं, आनंद देने वाला स्थान है, सुकून मिलता है। तो बेनेवोलेंट माउंटेन, परोपकार, दया करने वाले ये जो ऊंची पहाड़ियां हैं, इसलिए इसे सह्याद्री कहते हैं पश्चिमी घाट को। तो ऐसे हाईलैंड्स जो कोस्टल एरियाज में ऊंचे खड़े हैं उन्हें हम घाट कहते हैं वेस्ट और ईस्ट में। तो ये आपने पढ़ा या नहीं? तो आपने प्रायद्वीपीय जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है उसे दो पार्ट में करके पढ़ना है, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि यानी मिडिल हाईलैंड्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से लगे हुए क्षेत्र, ये मिडिल हाईलैंड्स हैं, और दूसरी तरफ दक्कन का पठार मतलब दक्षिणी भारत का पठार। तो इस तरह से डिवीज़न करके आप पढ़ेंगे, उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। अब आइए जो पॉलिटी का हमारा सेक्शन था, यानी तीसरा सेक्शन, संविधान के सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज, स्रोत हम लोगों ने लिया था। कैसे आपने पढ़ा? इसमें तो बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली भी हैं। मेरा क्वेश्चन है कि संविधान की सर्वोच्चता, सोवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? यह जवाब आपको पता होगा। ये सभी चारों, ये सभी अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। तो फिर बताइए कि नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट कहां से लिए गए? ये जान रहे होंगे कई लोग। प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, ये जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसकी भाषा, लैंग्वेज कहां से ली गई है? चलिए आप बताइए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। जो प्रियम्बल है ये अमेरिकी संविधान में ये कंसेप्ट है कि संविधान के पूरा जो बुक है उससे पहले एक पेज का एक थीम फर्स्ट पेज पर है, जो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल हम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका से, लेकिन उसकी भाषा, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए आज इस संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित, अंगीकृत करते हैं। तो ये लिया गया कहाँ से? इस ये भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो फिर बताइए कि राज्यसभा में 12 लोगों को नामित जो राष्ट्रपति करते हैं ये किस देश के संविधान से लिया गया है? उम्मीद है काफ़ी लोगों को पता होगा, आयरलैंड। तो आपातकाल, इमरजेंसी, भारत में तीन प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं राष्ट्रपति के पास। जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी, वो कहाँ से लिया गया? 352, बताइए किस देश के संविधान से? काफ़ी लोग सही होंगे, जर्मनी से। दूसरी बात है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, ये किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो ये सब आपको स्रोत में है, आपको याद करना है। अगर नहीं किया है तो ये आपको इम्बाइब करना है, आपको मेमोराइज करना है, चूँकि ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आइए अब दूसरा सेक्शन है हमारा पॉलिटी के बाद इको। इको में हम लोगों ने किया था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों ने लिया था। क्या आपने इसमें पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? पिछले दिनों हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम किया था और अब बैंकिंग के अलावा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई का हम लोगों ने टॉपिक लिया था। ये आपने कैसे किया? अच्छा, पिछले टॉपिक जो आपने बैंकिंग किया उससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसका जवाब दें। राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्या अंतर है? नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या अंतर है? 1959 में 7 बैंकों को का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समूह के रूप में निर्माण किया गया। बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये जो 7 एसोसिएट्स बैंक बने 1959 में, ये एसोसिएट्स बैंक हैं, क्या ये राष्ट्रीयकृत बैंक थे? 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 80 में 6 और का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। ये नेशनलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण और पब्लिक सेक्टर के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्या अंतर है? क्या SBI राष्ट्रीयकृत बैंक है? SBI क्या नेशनलाइज्ड बैंक है? IDBI किस तरह का बैंक है? क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक है या नेशनलाइज्ड बैंक है? नाबार्ड किस तरह का बैंक है? 1982 में इसकी स्थापना हुई, ये किस तरह का बैंक है? और फाइनली RBI किस तरह का बैंक है? तो ये आपको नेट से निकाल के इसके जवाब ढूंढने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है। नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, एसोसिएट्स बैंक, सेंट्रल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, तो ये सब आपको समझना है। चूँकि इनमें अंतर नहीं जानिएगा तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होगा। BPSC का 5 पैटर्न वाला जो कंसेप्ट है वो इस तरह के प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कन्फ्यूजिंग है। BPSC ने ये जो 5वां ऑप्शन दिया है, इसमें दरअसल 2 ऑप्शन हैं, ऊपर में से कोई नहीं एक ऑप्शन हो गया, और फिर उसी में लिखा हुआ है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दरअसल 5वें ऑप्शन में आपके 2 ऑप्शंस और हैं, मतलब यह कि टोटल आप BPSC में 6 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना है। आइए RBI पे आते हैं। RBI आपको जो टॉपिक दिया गया था इसमें आपने क्या पढ़ा? मेरा पहला क्वेश्चन है, RBI की स्थापना किस दिन हुई थी? RBI के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ? RBI कौन से काम करती है? बैंक नोट प्रेस कहाँ है? सिक्के की ढलाई कहाँ कहाँ होती है? नाबार्ड किस तरह से RBI से जुड़ा हुआ है? RBI मौद्रिक नीति जारी करती है, ये मौद्रिक नीति क्या है? आप जान लें कि मौद्रिक नीति में स्पेशली 4 बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, यही मौद्रिक नीति में मुख्य रूप से जारी होते हैं, और भी एडिशनल हालांकि जारी होते हैं, ये 3 मुख्य हैं। इनके द्वारा दरअसल RBI कितना रुपया मार्केट में आएगा और कितना मार्केट से खींचा जाएगा, दरअसल इस पर ही नियंत्रण करने का प्रयास करती है। दूसरे अर्थों में हम कहें तो महंगाई को नियंत्रण करना, मनी के फ्लोट को कंट्रोल करना RBI अपनी मौद्रिक नीति से प्रयास करती है। रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? आरक्षित अनुपात क्या है? सांविधिक आरक्षित अनुपात। देखिए, रेपो रेट वो रेट है जब RBI ब्याज लेता है कर्ज देने के बदले, तो ये रेपो रेट है। RBI जब स्टेट बैंक जैसे बैंक RBI से कर्ज लेते हैं तो RBI बदले में कुछ ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है, ये रेपो रेट कहलाता है। उत्तर भारत के मैदान में ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, पूरा उत्तर भारत और बिहार और बंगाल तक मैदान ही मैदान है। आपको ये पढ़ना है भांगर, खादर, तराई क्षेत्र, ये सब क्या हैं, कन किन 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 क्षेत्रों से होकर नदियाँ गुजर करके मैदानों का निर्माण करती हैं, ये विशाल मैदान आपको पढ़ना है। प्लस आइलैंड्स जो द्वीप समूह हैं, ये भारत में 2 समूहों में विभाजित है, एक बंगाली खाड़ी, दूसरा अरब के सागर में, एक तरफ लक्षद्वीप है, दूसरी तरफ
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक ज्वालामुखी द्वीप है, दूसरा ये आप करेंगे। इस तरह से आप कर कर के द्वीप समूह को पढ़ने का प्रयास करें, कितने द्वीप कहाँ हैं, कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा चैनल है बीच बीच में, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये कौन से क्षेत्रों के बीच में स्थित है, ये आप करेंगे। दूसरा आप करेंगे भाग और अनुसूची, बिल्कुल ध्यान से कौन से भाग में कौन सा विषय है इसको याद करना पड़ेगा आपको। पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के 22 भाग 12 अनुसूचियां हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि किस अनुसूची में, शेड्यूल में, शेड्यूल किसे कहते हैं, पार्ट किसे कहते हैं, ये समझने का प्रयास करें, हम भी बताएंगे आपको। उसके बाद आप राष्ट्रीय आय, नेशनल आय, राष्ट्रीय आय का किस तरह से विकास हुआ, पहली बार किसने राष्ट्रीय आय निकाला, राष्ट्रीय आय कैसे हम निकालते हैं, ये आपको पढ़ना है। उसका आधार क्या होता है, बेस ईयर क्या है, ये आप करेंगे। प्लस आप ब्लड में ब्लड ग्रुप करेंगे, RH फैक्टर करेंगे, प्लस माँ बाप पिता से बच्चों में कौन सा ग्रुप जा सकता है अगर माँ बाप का ग्रुप कुछ और है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को करने का प्रयास करें, होपफुली अगर इसे आप कर लेंगे बड़ा प्रोडक्टिव सेशन होगा, उम्मीद है कि आप इसे करेंगे तभी ये सार्थक होगा। चलिए अब आज के 5 उन चुने हुए प्रश्नों को देखते हैं जो आज हम लोगों को करना है, जो पिछले टॉपिक्स पे आधारित हैं, यानी जो टॉपिक्स दिए गए थे उनका निचोड़ है, इन प्रश्नों को उन्हीं टॉपिक्स से निकाला गया है। दूसरी बात है कि इनमें से जो 5वां ऑप्शन है उस पर भी आप ध्यान देंगे, इसे इग्नोर नहीं करना है, 5वें ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को बनाना है। तो चलिए पहला प्रश्न है आज का, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ए बी सी डी या फिर ई, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी सी। दूसरा प्रश्न है, गुरु शिखर निम्नलिखित में से किसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी हाईएस्ट पीक है, ए बी सी डी या फिर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरावली माउंटेन, सबसे हाईएस्ट पीक। तीसरा प्रश्न, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की संकल्पना यानी कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है। आप जानते हैं कि देश में हमारे एकल नागरिकता है, एक ही साथ दो देशों की नागरिकता हम नहीं ले सकते, ए बी सी डी या फिर ई, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी 5वां ऑप्शन, नन ऑफ दीज। दरअसल ब्रिटेन से एकल नागरिकता का कंसेप्ट लिया गया है। आज का चौथा प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, रिजर्व इंडिया के पहले गवर्नर, माफ करें, फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI कौन थे, ए बी सी डी या फिर ई, चार्ल्स फिट्जरॉल्ड, रिचर्ड जॉनसन, आर्थर कॉनन होम्स, ऑसबर्न स्मिथ या फिर ई। तो इनमें से आंसर हो जाएगा डी, ऑसबर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, खून में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अगर बहुत कम हो जाती है, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, तो ये किस घातक रोग का कारण बनती है, एड्स, अल्जाइमर, TB, ब्लड कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपसे यहीं पर इजाजत लेंगे ये कहते हुए कि आपके पास काफ़ी ड्यूटी मिल गई है, इसके अलावा भी आप करें। एक बात और, आप ये ना कहें कि इतना सा से ही हो जाएगा, आपको अभी और भी पढ़ना पड़ेगा, अपने स्तर पर भी आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इतना सा से केवल नहीं होगा, आपको बहुत कुछ पढ़ना है और भी। तो आप इसके अलावा भी संभव हो तो करें, लेकिन जो बिजी शेड्यूल वाले हैं वो इतना ही अभी करें, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, टेक केयर।